हाथ कटा तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हाथ कटने के बाद कैसे काट सकते हैं, समझ रहे? बात तो सही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही क्रेजी। और ये आइडिया मेरे को अपने फतूर से दिमाग में आया गाइस, तो अप्लाई कर लेते हैं। ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज करने वाली हूँ फिर से मैं आज, लेकिन आज कुछ यूनिक होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं ब्लाइंड फोल्ड होके खाना बनाने वाली हूँ। बहुत मजा आने वाला है, ये एक्सपीरियंस मुझे करना है, क्योंकि बहुत मतलब मुझे सोच के मजा आ रहा है कितना मजा आएगा। बट हम लोग टेंशन मत लीजिए गाइस, गैस नहीं ऑन करने वाली मैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी सैंडविच। सामान पहले ले आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं व्लॉग करते करते या ब्लाइंड फोल्ड होते होते अगर मतलब मैं ब्लाइंड फोल्ड करके पूरा सामान ढूंढने लगी ना, तो पूरा सामान इधर उधर कर दूंगी, फिर पढ़ने वाला मुझे डांट। इसीलिए पहले सामान लेकर आ जाते हैं, उसके बाद कटिंग वगैरह सब मैं ब्लाइंड फोल्ड में करूंगी। टेंशन मत लीजिए गाइस, हाथ नहीं कटेगा, आप देखना और मत देखना बस जो मैं करने वाली हूँ क्रेजी हरकत, और पक्का आप हंसने वाले हो। तो मैं सामान लेकर आती हूँ फटाफट से और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस जो भी स्टफिंग चाहिए हमको सैंडविच के लिए मैं लेकर आ गई हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं स्टेप वाइज काम करूंगी। मतलब पहले वेजिटेबल काट लूंगी, स्टफिंग काट लूंगी, वो सब मैं ब्लाइंड फोल्ड में करूंगी, ठीक है? और जब मैं सब कट जाएगा तो मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलूंगी और फिर वो जिससे मुझे बनाना है सैंडविच मेकर वो लेकर आऊंगी विदाउट ये मतलब आँख खोलने के बाद, क्योंकि नहीं तो फिर गाइड करने के लिए कोई नहीं गाइस, तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए, ठीक है? तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये तीसरा टेक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया था और फिर कैमरा ऑन नहीं हुआ इसीलिए, समझे गाइस? तो और कहीं आप जब हट जाओ तुम्हारा सड़ा हुआ हाथ आ रहा है। तो गाइस चलिए फोल्ड करते हैं। हाथ नहीं कटेगा, ये रहा हमारे घर का ताजा, मेरे घर का नहीं है गाइस, बाहर का ताजा शिमला मिर्च, मांगा हुआ है क्या? तो इसको कट करेंगे और रुकिए आप इसका बात को इग्नोर करते हुए कट करते हैं, ठीक है? साजे संभल के हाथ कट रहा है, उल्टा छुरी पकड़ी हो छुरी उल्टा है ये सीधा कौन सा था पता नहीं, हाथ काट के देखो किधर सीधा। वैसे मेरी बहन ने हम लोग इसको लेकर आए थे कचरा सफाने, क्या बोला तूने? इसीलिए ऐसा बोल रहे, वो कट गया सीधा छोड़ी जा रहा झुट्टी। तो गाइस शिमला मिर्च कट चुका आपको दिख रहा होगा, और देखिए अब इसको हम लोग गाइस मैं प्रो हूँ गाइस, टेंशन मत लीजिए, प्रो बिना जैसे कि कितना खाना बनाती है प्रो, बहुत प्रो हूँ मैं, यू नो सेफ सेफ में से ही आता है ऐसे में। तो गाइस देखिए ऐसे कटता है शिमला मिर्च, थोड़ा खराब सेव कर सकता है गाइस क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, आप समझ सकते हैं, और इसको छोटा सेव करना है हम लोग को, तो देखते क्या होता है। हमको सीरियसली कुछ दिख नहीं रहा है, हाथ खड़ा ना गाइस तो फिर आप गया, चूड़ी उल्टा है, चूड़ी उल्टा है, तो चूड़ी उल्टा है, सच बता। हाँ ठीक है, अब ठीक है, हाँ थोड़ा हाथ कटेगा हमको लग रहा है, तो पट्टी कर देना, नहीं कटेगा, चाह कटा नहीं ऐसा काट दिया मैंने गाइस, देखिए इतना कटा है, देखिए ऐसा कटा है गाइस, देखिए पता नहीं कैसा सेफ है बट तब ठीक ही होगा आई थिंक सो, तो बहुत थक गया, बहुत थक गया, शिमला मिर्च के एक टुकड़ा भी काट के थक गए गाइस, बहुत टफ है आप देखिए बिना का मेरा हाथ कटा हुआ, तो मतलब उला कर रहे हैं, तीन तीन काम साथ में कर रहे हैं, शिमला मिर्च काट रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड एंड थर्ड मेरा हाथ कट सकता है गाइस, मुझे नहीं दिख रहा, वैसे गेम खेल सकते बचपन के तरह से खेलते, कितना है ये पर मेरा उंगली जो मुझे पता है दो है, कोई और दिखाएगा तो नहीं समझ में आएगा। घर में आप ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है? क्योंकि छोड़ी उल्टा है, मेरा हाथ नहीं कट रहा है क्योंकि मैं प्रो हूँ, आपका हाथ कट सकता है क्योंकि आप प्रो नहीं, तो मेरा मम्मी बताना कि शाजिया का ब्लॉग देखा था तो शाजिया ऐसा कर रही थी, फिर अम्मी तुमको बताया, मैं सोच रही हूँ मैं शूट करके तुमको डाल दूँ ऐसे, बहुत लाइक्स आ जाएगा मेरा, क्यों मेरे चैनल में जाएगा ऐसे शूट करके डाल, मेरे घर की पगली
थोड़ा कट कर देना शाजिया एडिटर, ये वाला वर्ड शाजिया पगली वाला, शाजिया क्यूट, स्पैम कर दो गाइस, स्पैम कर दो, स्पैम कर दो गाइस, हाथ ना कटे शाजिया, आई होप मैं हाथ ना कटे, अगर हाथ कटा तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ कटने के बाद कैसे काट सकता, समझ रहे हैं, इतना कटा है, गाइस चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा, स्कॉर चॉप करने में दरकार है क्या, छोटा ही लग रहा है, ठीक है चलो ना क्या, हम लोग खाने वाले मेहमान से ही जाएगा गाइस, मैंने कटोरा भी एक ले जाई थी, कटोरा गाइस देख कटोरा, इस कटोरा में रखते हैं ना कटा हुआ सड़ा हुआ सुना, बड़े आना हाइजीन है आपने बहुत गंदगी से काटा है सागे सभी। गाइस मैंने बहुत अच्छे से काटा, इसको काटा देखिए आप, शिमला मिर्च को धोया था, हाँ शिमला मिर्च को धोएंगे नहीं, कैसे काट लेंगे कुछ भी गाइस, नेक्स्ट टाइम क्या काटिए, शिमला मिर्च आई थिंक बहुत कम है तो और काटना होगा, क्योंकि हम अकेले से नहीं खाएंगे गाइस, पूरा हाथ कटेगा, सुमैया आप खाएगी, रुकैया आप ठूसेगी, सब खाएगा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा काटना पड़ेगा, तो तुम उसका ये भी काट रही हो क्या, बोलते उसको उसका अंदर का भी, वो भी कट रहा है क्या, शिट उन्हें खाते हैं, ये क्या है छोटे छोटे इतने से, अभी तो कट भी नहीं किया, इसका मिडिल का बीज, हाँ ये कर लो पहले, आप और ये समझ के डाल दीजिएगा, छी ऑरिगैनो तो मैं लेकर, ऑरिगैनो मैं डालूंगी नहीं, मैं लेके आई हूँ चिली फ्लेक्स डालूंगी, ब्लैक पेपर का है वो नहीं डलेगा, लेके नहीं आया अब नहीं डलेगा, सॉरी वीडियो सही आ रहा है, हाँ मैं वीडियो में आके देखूं, अरे तुम देखो दूर से वीडियो सही आ रहा है क्या, मतलब कमजोर है को। तो क्या एक घंटा शिमला मिर्च काटते हुए दिखाइएगा अपने आप को, अरे मैं इसमें फल्ला समझती नहीं है, टाइम लैप्स लगा दूंगी बेबी, ओके क्योंकि गाइस को लगना चाहिए मैं चीटिंग कर रही हूँ, है कि नहीं गाइस, बात तो सही है, ब्लाइंड फोल्ड बिरयानी बनाओ सर से, लगता ही है पागल हो गया नाइस जोक, आई लाइक इट, मैगी बना लेती गाइस, मैगी बहुत इजी हो जाता, समझ रहा, बहुत इजी, सभी बना लिया, और सैंडविच थोड़ा टफ है इसीलिए, सैंडविच मेकर भी यही लगे पकाने वाली हूँ क्या बिस्तर के ऊपर, नहीं इसका सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अपना आँख खोलूंगी गाइस, को बोल रही हूँ मैं सेटअप करने के, कुछ चिटिंग नहीं होगा सेटअप करने के लिए गाइस, एक तो गाइड कोई करने वाला नहीं है, ऊपर से मैं कुछ भी क्या बोलना चाह रही, तुम प्याला कहाँ गया, इतना काफी आई थिंक, इसको साइड कर देते गाइस, काटने का मन नहीं करा इसलिए इतना काफी, ये क्या है जो भी है काटते रहे, एक मिनट तो छीलना ही पड़ेगा, अब छीलेंगे से गाइस, देख के दंदा वाला छील लेते हैं, अभी बिना देखे पता नहीं कैसे छीलेंगे, खीरा को ऐसे ही काट दोगे कि छीलोगे भी नहीं, हाँ छीलना पड़ेगा खीरा ऐसा है, ये काट तो गाइस खीरा को ऐसे छीलते हैं, अब जब देखती हूँ जब खीरा को मैं काटती हूँ तो गुद्दा दिला जाता है, बिना देखे पता नहीं क्या होगा, खीरा बच गया कि नहीं बचेगा पता नहीं, ऐसा हो रहा है क्या आज, खीरा बचेगा क्या लगता है गाइस, आपको कमेंट में बताइए खीरा बचेगा, गाइस बिना देखे मैं दो चैलेंज कर रही हूँ, तो वेजिटेबल कट पर देख सैंडविच, लाइक करिए फटाफट वीडियो को, तब सीरियसली मेरा हाथ नहीं कटा हुआ हो यार, मैं एक दो चीज काट लिया, साथ से प्रो है, खीरा का तो जनाजा निकल चुका है, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब कट गया पूरा, ये बाकी खीरा छोड़ा ही कहाँ उसको बेचारा, कुछ कटेगा उसका सारा अच्छा। खीरा से साफ निकाल दिया, अरे ठीक है ब्लाइंड फोल्ड है ना गाइस, इतना चलता है, कटा है कि नहीं कटा कहीं, बाकी बताओ ना, इतना बता सकती हो, मैं कैसे बताऊं, छू के पता है, पता कर, यहाँ पे थोड़ा मोटा लग रहा है, तो कहिए आप स्किन की तरह तो यहाँ पे शायद बच्चा है,
हाँ गाइस हो गया, आई थिंक डन, इतना काफी। अगर होगा भी तो चलेगा, क्योंकि एक तो फिर ब्लाइंड फॉलो पर अच्छा खाना चाहिए। 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 너 이제 아직 하나 가면 몰라는데 또 빠질 거고 가나 가 번에가 가오에 가봐. 자스 러제. 가비 그 중반에 가게 와라. 그래서 기다가 늦어. 2000 years later. 나 베지티블스 가 बर्बाद ही कर दिया। 나 이제 가야 또 खाने को नहीं देंगे तुझे। बर्बाद क्यों हो रहा है ना गाइस, कट हो गया है चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम चाहती हो कि हम ब्लाइंड फोल्ड में जाए बाहर और गिर पड़ के। अब ऑलरेडी मैंने धो लिया था इस सबको, धो लिया था सिलिका के साथ, धो लिया था प्याज को भी। तो मसला नहीं है, मसला है नहीं है। अगर तुमको है तुम धो के लाओ। गाइस हम धो लिए थे छिलका के साथ, अब थोड़ा थोड़ी ये बड़ी जगह ब्लाइंड फोल्ड है गाइस, सब सामान गिर जाएगा, लाइट वाइट कैमरा सब गिर जाएगा। तो जो किया मैंने तो हम लाइक धो के लाते, तो गाइस हमारी सर्वेंट धो के लाएगी। तो गाइस अब तक किसी ने बातचीत कर लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ब्लॉग कैसा लगा। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा गाइस, अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, मैं थोड़ी फ्री हूँ, आप ही ढूंढने गई मैं प्याज, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। आपका मेरे किचन में स्वागत है गाइस, ब्लाइंड फोल्ड किचन में। और प्याज को छोटा छोटा काटना है। एक दिन शादी हम लोग कश्मीरी डिश बना के लाएगी। ब्लाइंड फोल्ड बाबू कुछ नहीं बनाने वाले हम, ये तो ऐसे मेरा क्रेजी क्रेजी करने का मन करता है इसलिए मैं कर देती हूँ, और गाइस को भी मजा आता है नहीं। हमारे प्याज चॉप हो चुका है और सब कुछ चॉप हो गया है, और अभी हम लोग स्टफिंग रेडी करेंगे, उसके बाद ही हम ब्लाइंड फोल्ड अपना खोलेंगे, ठीक है। तो बाकी बचा सामान को हम साइड कर देते हैं गाइस, और देखो साइड कर दिया मैंने साइड, ठीक है। सब सामान साइड हो गया है, क्या कुछ बचा है? नहीं कुछ नहीं बचा है गाइस, साइड करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं इसमें और सामान डालेगा गाइस, तो चलिए ऐड करते हैं। तो इसमें आई थिंक मैंने डाला है, आई नो मैंने डाला है, मैंने खुद ही डाला है, मुझे पता है, शिमला मिर्च डाला है मैंने, और फिर प्याज डाला है और खीरा डाला है बस। अब इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मेयोनीज, ठीक है। मेयोनीज मैं लेकर आई थी, तो यही कहीं रखा है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद मिल जाएगा। ढक्कन नहीं मिल रहा, बाद में रख लेंगे, छोड़ साइड कर दें इसको। और इसको बताना कितना डालना है, क्योंकि अगर ज्यादा हम डाल दिया तो गाइस हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है और ढक्कन भी मिल गया मेरे को, टेस्ट करते रहिए। तो गाइस स्टफिंग रेडी हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ सैंडविच मेकर लेके, उसका सेटअप करूंगी और फिर सैंडविच बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं ब्लाइंड फोल्ड खोल सकती हूँ, ठीक है। मेरा आँख थोड़ा सा ऐसा चाइनीज जैसा हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा कुछ, बहुत देर से अंधेरा हो गया। तो गाइस इस वीडियो को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। एक पार्ट मैंने किया ये पूरा वेजिटेबल काटा ब्लाइंड फोल्ड होके, ठीक है। और सेकंड में अभी फिर ब्लाइंड फोल्ड होंगी और फिर ब्रेड में उनको सॉस लगाना है, और उसके बाद थर्ड वो जो सैंडविच बनाने का लास्ट काम होगा गाइस, तो उसको सेटअप करना पड़ेगा सॉस हमको, और इसीलिए तो मैं फिर ब्लाइंड फोल्ड खोलूंगी और फिर सेटअप करूंगी। तो गाइस अभी मैं ब्लाइंड फोल्ड लेने जा रही हूँ, ठीक है, होने जा रही हूँ। गाइस मेरा हाथ नहीं कटा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस ब्लाइंड फोल्ड होते हैं, जल्दी से ब्रेड में सॉस लगाते हैं और उसके बाद सैंडविच बनाएंगे। ओह शिट, मैं चीज लाना भूल गई, रुकिए प्लीज चीज ला दो प्लीज।
गाइस मैं इसको स्टफिंग वगैरह कर लूंगी, सैंडविच को पूरा रेडी कर लूंगी और फिर हम लोग मशीन में बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलूंगी क्योंकि मुझे सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है गाइस। Thousand years later. और गाइस आप जानना चाहते हैं मैं वीडियो कब रिकॉर्ड कर रही हूँ? कब भी टाइम बता दो गाइस को, क्योंकि मैं ब्लाइंड फोल्ड हूँ। तो गाइस रात के 1 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये सुबह आ जाएगा, सुबह मतलब दोपहर में आपके पास। अभी सुबह हो रहा है, मतलब 1 बजे सुबह हो गया ना गाइस, सुबह नहीं हो रहा है, मतलब डेट चेंज हो गया ना, तो जिस डेट को चेंज हो रहा है उसी डेट को आएगा दोपहर में, समझे। ये रहा मेरा पहला सैंडविच गाइस। टन 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 कॉपी लग जाएगा। तो मैं गाइस अपना हाथ साफ करके आती हूँ और फिर जल्दी से सेटअप करते हैं, फिर बनाएंगे सैंडविच। मैंने गंदगी से बनाया जो तुम्हें दिख नहीं रहा था गाइस, कोई बात नहीं। और यहाँ गिर गई है, ओ क्लीन करना पड़ेगा गाइस, मैं क्लीन करके आती हूँ। तो गाइस मैं वापस आ गई और ये रहा मेरा सैंडविच मेकर गाइस। और बटर मैंने पहले लगा लिया क्योंकि चला गाइस चला तो मैंने बता दिया गाइस मैं बटर पहले लगा दिया क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है गाइस। तो मैंने पहले लगा लिया है बटर, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने सैंडविच में बटर पहले से लगा दिया है और ये रहा मेरा मशीन। और थोड़ा सा रुका कि वो वाइट कर देगी क्योंकि इसमें अब साइज से बात लगते चलता है गाइस, तो ये वाला बत्ती चलता है और मैं ब्लाइंड फोल्ड रहूँगी तो मुझे पता चलेगा कि रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा रुका गाइड कर देगी मुझे और उसके बाद फिर मतलब बनाएंगे और उसका दिखाएंगे। चलिए जल्दी से मैं पहले प्लग लगा लेती हूँ, जैसे प्लग से मजाक नहीं गाइस, उसको ब्लाइंड फोल्ड करके लगाएंगे तो वैसे मैं पता नहीं कहाँ चली गई, इसीलिए यहाँ खतरों का ही नहीं चल रहा है इसीलिए। तो हीरा ऑन हो चुका, देखिए रेड हुआ है, ग्रीन मतलब रेड हो चुका है सो ठीक है। तो पहले स्विच ऑफ कर देते हैं अभी क्योंकि मैं ब्लाइंड फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद बताएगी तो फिर स्विच ऑन करेंगे, वो तो गाइड करेंगे मुझे हो जाएगा। तो गाइस चलिए फटाक से ब्लाइंड फोल्ड करते हैं। ब्लाइंड फोल्ड कर लिया है और ये रहा मेरा मेकर और उसका स्विच, ये रहा स्विच ठीक है। तो अब क्योंकि स्विच एक ही था इसलिए हमको इजी हुआ, अब बस इसको ओपन करना है और मुझे इसमें सैंडविच डालना है। इसमें एक और आता है, दो आ जाता है आराम से, तो दोनों डालते हैं। दोनों मैंने डाल दिया है शायद, अब इसको लॉक करते हैं और ये ग्रीन जब चलेगा तो ये रेडी हो चुका होगा, ठीक है गाइस। जो मुझे दिखना नहीं रहा है वो कहते गाइड करेगी मुझे। A few moments later. आप लेट मत करो, आप सब्सक्राइब कर दो ठीक है। तो मेरा अनोखा सैंडविच कौन कौन खाएगा, ब्लाइंड फोल्ड सैंडविच, और मैं इसको निकालूंगी और मैं टेस्ट करके बताऊंगी ब्लाइंड फोल्ड में कैसा लग रहा है, ठीक है। छुरी ले लेते हैं उसे निकालने के लिए, मुझे चाहिए होगा। बत्ती जला, अच्छा स्मेल आ रहा है बहुत टेस्टी वाला, आई थिंक चीज मेल्ट हो रहा है। जल गया, जल गया, थोड़ा देर और रास कर रहा है वो। तो जाए पहले स्विच बंद करते हैं, हाथ नहीं जल रहा है। स्विच बंद, तो सेफ्टी फर्स्ट गाइस, सब घर में आप ट्राई करना, मेरी मम्मी से बहुत मार पड़ेगा आपको। मेरी मुझे शो करेगा इसलिए डांटना पड़ेगा, हाथ नहीं जलाना ठीक से। चलिए अब हम लोग ब्लाइंड फोल्ड में सैंडविच खाते हैं कैसा बन रहा है। मगर
तो गाइस चैनल यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? मैं स्विच ऑन कर देती हूँ, मैं बस एक बन जाएगा और मैं चैनल यहीं पे खत्म, मैं ब्लाइंड फोल्ड खोल रही हूँ। तो गाइस आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ये ब्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग बन जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, बाय गाइस, बहुत मजा आया। Plus ING, elevated.